हम बात करते हैं प्रिंटिंग लेबल्स की, किस तरह जो है शिपिंग प्रिंटिंग लेबल्स जो है आप जनरेट कर सकते हैं। प्रिंट शिपिंग लेबल क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले तो जो है जेट पैक जो एक प्लगइन है वो जो आप विजेट चलाते हैं सबसे पहले जो वूकॉमर्स का इंस्टॉलेशन के वक्त उसको आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है उसी वक्त। वो आपसे पूछेगा जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे तब आप इंस्टॉल करके जो है वो अपने पास रख लेंगे। जब प्रिंटिंग लेबल की बारी आएगी तो आपको वर्डप्रेस के अंदर ही डैशबोर्ड के अंदर आपको ये ऊपर ही नजर आ रहा होगा एरर दे रहा, एरर नहीं होता एक नोटिस होता है जो कि वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाता है कि एक्टिवेट जेट पैक एंड कनेक्ट, तो कनेक्ट जेट पैक टू एक्टिवेट वूकॉमर्स सर्विसेज। तो इसको जो है आप एक्टिवेट करेंगे तो ये जेट पैक क्या करता है कि वूकॉमर्स की सर्विस को एक्टिवेट करता है। उसके अंदर शिपिंग टेबल्स का फीचर और आपका टैक्सेस का जो फीचर होता है वो आपको इनेबल कर देता है। तो अभी मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, ये रिडायरेक्ट करेगा आपके वर्डप्रेस, ये वर्डप्रेस के ऊपर कनेक्ट करने को पूछता है। तो आप अगर आपका wordpress.com पे अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, वरना जो नहीं है तो आप जो है उसको क्या कहते हैं अकाउंट बना सकते हैं फ्री में, तो उसके कोई चार्जेस नहीं है। अकाउंट बना के इसको कनेक्ट करेंगे अपना, ये मैं देख सकते हैं सेटअप कंप्लीटेड, यू कैन नाउ एंजॉय ऑटोमेटेड टैक्स कैलकुलेशन एंड शिपिंग लेवल प्रिंटिंग। ओके सही है, इंपॉर्टेंट थैंक्स। अब लेवल क्रिएट करने के लिए जो है आपको वूकॉमर्स के अंदर आना है ऑर्डर्स के सेक्शन के अंदर। जब आपके पास ऑर्डर्स आ गए, तो किसी का ऑर्डर आ गया और आप तो चाहते हैं कि जो उसका शिपिंग लेबल मैं जनरेट करूँ और अपने पार्सल पे लगा के शिप करना है उसको, तो यहाँ से सिंपल अब ये मेरे पास ऑर्डर्स रखे हुए हैं पहले के, अब मैं इसको किसी को क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब मैंने ऑर्डर की जो डिटेल का जो पेज था वो ओपन हुआ और यहाँ पे ऊपर ही मुझे दिखा रहा है शिपिंग लेवल, टू आइटम्स आर रेडी टू शिपमेंट। यहाँ से क्रिएट शिपिंग लेवल करेंगे और आप अपने पैकेज को सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे पैकेज दिया हुआ है स्मॉल का आपका, आप जो है ऐड पैकेज करवा सकते हैं यहाँ से और आप कुछ चाहते हैं तो मैं करवा के देख बता देता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि बड़े बनाए जो है पैकेज भी आपके पास अवेलेबल होती है, यूएसपीएस की पूरी सर्विस जो है इंटीग्रेट होती है इसके अंदर ऑटोमेटिकली ना। तो आप यहाँ से सर्विस पैकेजेस पे क्लिक करके भी जो है ना आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा पैकेजेस आपको चाहिए होता है। यहाँ पे मैंने अवेलेबल पैकेज के अंदर देख लिया है कि स्मॉल फ्लैट बॉक्स जो उसका डायमेंशन है वो 8.63 5.38 एंड 1.63 इंच है, तो आप यहाँ से लोड करवा सकते हैं अपने पास। और दैट्स बात है, ये जितने भी बॉक्सेस के आपको ये नज़र आ रहे हैं ये सबके अलग अलग चार्जेस भी होते हैं, तो वो चार्जेस जो है वो आपको बाद में पता चलेंगे आगे जाके। ये सब देख सकते हैं कि यूएसपीएस के जितने भी पैकेजेस अवेलेबल है वो यहाँ पे बता रहा है। अगर आपने यूएसपीएस के साथ अलग से कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है और स्पेशल प्राइसेस दिए हुए तो आप कस्टम पैकेज बना सकते हैं डायमेंशन वाइज। इसका आप डायमेंशन आपको डिफाइन करनी पड़ेगी और या और पैकेज का वेट देना पड़ेगा और एड पैकेज करेंगे तो आपके पास इस तरह यहाँ इस जगह पे पैकेज अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे। मैंने एक सैम्पल के तौर पर स्मॉल पैकेज और मीडियम पैकेज का बनाया हुआ है तो मैं इसको ऐसा ही सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से यूज दीज पैकेज पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे पूछता है कि आपको यूएसपीएस की कौन सी सर्विस से जो है आपको भेजना है पैकेज अपने पार्सल, तो यहाँ पे बता रहा है यूएसपीएस मीडिया मेल जो कि चार्ज कर रहा है $2.80।
अगर आप सिग्नेचर के साथ लेते हैं, सिग्नेचर रिक्वायर्ड के साथ, तो वो उसकी चार्जेस जो है 2.80 प्लस 2.65 जो यहाँ पे चार्जेस है उसको भी वो ऐड अप करके यहाँ पे टोटल बना देगा। 5/45 का आपको एक लेबल पड़ेगा जब आप परचेज करने जाएंगे तो। इसको अगर आपको सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं है तो सिर्फ ये 2.80 का आपको पैकेज रेट देगा। अब याद है, अगर आपको फास्टेस्ट चाहिए थोड़ा सा, तो फास्ट फर्स्ट क्लास मेल में जाएगा, वो 3 डेज के अंदर जो है ना आपको आपका पैकेज जो है डिलीवर करेगा कस्टमर को, जो कि उसके चार्जेस है 3.80। और इसके अंदर जो है सिग्नेचर रिक्वायर्ड का भी ऑप्शन है और एडल्ट सिग्नेचर रिक्वायर्ड का भी ऑप्शन है, जो कि वो आप कोई सा भी सेलेक्ट करेंगे तो उसके चार्जेस अलग होंगे। राइट से बात है, ये सारे इसके अंदर जो दिए हुए हैं वो आप कोई सा भी सेलेक्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने में आइटम को सेल आउट किया और उसके ऊपर शिपिंग कितनी चार्ज की है कस्टमर से। अब यहाँ से ऐड ऐड करेंगे कोई सी भी सेलेक्ट करके, फिर ऐड। अब यहाँ पे मेरा क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं है अभी, तो क्रेडिट कार्ड जब आप ऐड करवा देंगे यहाँ से, ऐड अ क्रेडिट कार्ड टू योर अकाउंट के अंदर, तो आपका ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे जो है ना बाय नाउ का बटन आ जाएगा। आप बाय नाउ करेंगे तो आपके क्रेडिट कार्ड से चार्ज होंगे पैसे, और यहाँ पे आपको शिपिंग लेबल जो है अगर न्यू वीडियो के अंदर, न्यू वीडियो विंडो के अंदर आपको बता देगा, और शिपिंग लेबल पूरा जनरेट करके आपको दे देगा। आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये एक चीज थी इसके अंदर प्रिंट लेबल के अंदर, इसके अंदर कोई इतनी मुश्किल काम है नहीं। आप यहाँ पे जो ओरिजिन एड्रेस के अंदर आप अपना स्टोर नेम वगैरह दे देंगे, और क्या कहते हैं एड्रेस वगैरह भी दे देंगे, डेस्टिनेशन एड्रेस के अंदर जो है कस्टमर का एड्रेस आएगा, सारी चीजें आएंगी। और फिर तो उसके बाद जो है पैकेजिंग आपको सेलेक्ट करनी है, उसके बाद जो है आपको शिपिंग रेट्स, शिपिंग सर्विस देखनी है सेलेक्ट करके आगे बढ़ा देना, और ये आपका शिपिंग लेवल जो है जनरेट हो जाएगा इजी। जी अभी ये यहाँ पे जो है मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ, क्योंकि मैं आपको ये सारी शिपिंग लेबल आपको जनरेट करना बता दिया, शिपिंग जोन और क्लासिक्स तरह बनती है वो भी मैंने आपको बता दी कि किस तरह आप बना सकते हैं, किस स्टेट के अंदर जो है फ्री शिपिंग रखनी है, किस स्टेट के अंदर आपको शिपिंग चार्ज करनी है, ये सब आपको पहले बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टैक्स सेशन के बारे में बात करेंगे, वो किस तरह आपके स्टोर के बारे में आप इनेबल कर सकते हैं, वो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।